बच्चों, मैं जसलीन कौर अज तुहाडे लई बाकी दियां स्लाइड्स लैके आई हाँ। कल तुहाडा मॉक पीएएस है तां जो तुसी ये सारियां स्लाइड्स दी दोहराई कर सको। बेटे, 46 स्लाइड्स अपने पिछली वीडियो च हो गईयां ने, ए 47वीं स्लाइड है, 47। देखो बच्चे, इत्थे की है आर ए टेस्टर। आर ए टेस्टर की हुंदा है, जेकर किसे दित्ते हुए आकार दे कोनिया उत्ते बने कोणा दी जांच करनी होवे। कोई भी आकार है, उसके कोने ते केड़ा कोण बनया है, आर ए टेस्टर नाल असी इसकी जांच करते हैं। ज्यादातर राइट एंगल टेस्टर 90 डिग्री नू टेस्ट करन वास्ते एल शेप का एक ए इंस्ट्रूमेंट है बेटा, इसनों आर ए टेस्टर बोलते हैं। इस तो अगली स्लाइड है समांतर रेखावां दी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की होंदियां हन, जिवें गड्डी दियां लाइनां जिहड़ियां कि एक दूजे नूं कदे भी नहीं कटदियां, अते लाइनां दे विचली दूरी हमेशा बराबर रहिंदी है। यह पैरेलल लाइंस होंदियां हन, समांतर रेखावां। इस तों अगों बेटे 49 स्लाइड है ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल की होंगी है, जो कोई दो समांतर रेखावां नूं कोई लाइन कट के जावे उन्हों आपां काटवी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यह समांतर रेखावां नूं वख वख बिंदुआं ते कटदियां ने। बेटे, इस तों अगली है कंकरेंट लाइनस, संगामी रेखावां। जदों तीन जां उस तों वध रेखावां एक बिंदु ते मिलदियां ने, कट के जांदियां ने, क्रॉस ते चिन्ह बनता है। ये जो तुसी सिंबल देख रहे हो, साइन देख रहे हो, एल एम एन ओ, तीन ए रेखावां ने पी बिंदु ते कट रहियां ने, इन्हां नूं असी संगामी रेखावां कहिंदे आ। बेटे, इंटरसैक्टिंग लाइन और कंकरेंट लाइन का यही डिफरेंस है कि उहदे विच सिर्फ दो रेखावां हुंदियां ने ते एक बिंदु ते मिलदियां ने। इस विच तीन रेखावां हुंदियां हन और एक बिंदु ते कट के जांदियां हन, इन्हां नूं असी संगामी ते कंकरेंट लाइनस बोलदे हां। बेटे, इस तों अगला आ गया सिखर सन्मुख कोण। सिखर सन्मुख कोण हुंदे ने बेटे जदों भी दो रेखावां आपस विच कट जांदियां ने, कैंची दे वांग काटी बन जाती है, तो काटी दे अपोजिट जिवें तुसी देख रहे हो हरे रंग दे दो कोण हन अते पिंक रंग दे दो कोण हन, ये दो कोण हमेशा आपस विच बराबर हन अते असी इन्हां नूं सिखर सन्मुख कोण कहिंदे हां, क्योंकि इन्हां दे सिखर एक दूजे दे सामने हन। इस तों अगों बेटे एडजेसेंट कोण, लागवे कोण ओह ने जिहड़े एक दूजे नाल लगदे हन, सानू नाम तो ही पता चल रहा है, परंतु तुहानू इसदा टैक्निकल पॉइंट याद रखना पेगा। बेटे, इन्हां दी एक भुजा सांझी और सिखर सांझा होना बड़ा जरूरी है। हुण तुसी इह देख रहे हो कोण एक ते कोण दो, इन्हां दा सिखर सांझा है और इन्हां दे विच एक रेखा है जो कि दोनों कोणां दी सांझी भुजा है, इन्हां नूं आपां एडजेसेंट एंगल्स भी कहिंदे हाँ, लागवे कोण। इस तों अगली बेटे 53 नंबर स्लाइड है अंदरूनी अते बाहरी कोण। अंदरूनी कोण इंटीरियर एंगल्स, बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल्स। किसी भी शेप दे बेटे जिहड़े अंदर कोण बने हुए हैं, तुसी देख रहे हो अंदर चित्र दे विच ऑरेंज कलर दा, पिंक कलर दा, पर्पल कलर दा, ग्रीन कलर दा कोण बने ने, अंदर बने हुए हैं, इन्हां नूं असी अंदरूनी कोण कहते हाँ। तो जिहड़े कोण एक किसी भी एक रेखा नूं, किसी भी बहुभुज की एक रेखा नूं वधा दिए तो एक भुजा दे नाल वह वधी हुई रेखा जिहड़ा कोण बनाती है वह बाहरी कोण हुंदा है, उसनूं असी एक्सटीरियर एंगल कहते हाँ। बेटे, इस तों अगली आ गई अंदरूनी एकांतर कोण। जदों भी दो समांतर रेखावां नूं कोई रेखा कट्टे तो अंदर नूं चार कोण बनते हैं, ये आपस में बराबर होंगे। जो समांतर रेखावां होंदियां हन तां अंदरूनी एकांतर कोण बराबर होंगे, जो रेखावां समांतर नहीं हन तां ये जिहड़े कोण ने आपस में बराबर नहीं हन। इस तों अगों बेटे बाहरी एकांतर कोण, ये भी उस तरह पिछली स्लाइड दे वांग बेटे ये विच भी समांतर रेखावां नूं एक रेखा कट रही है ते जिहड़े बाहर वाली साइड नूं बन रहे हन, एक जिहड़ी समांतर रेखा जा रही सी उपरली उहदे उपर नूं जिहड़े कोण बने हन ते थल्ले नूं। एकांतर दा मतलब एक कोण इस साइड दा ते एक उस साइड दा,
एक सेम साइड दे नहीं हैं, जड़े अंदरूनी अंतर कोण सी वो भी एक उधर जेड शेप दे सन अते ये भी एक इधर वाले हैं। इस तो अगली स्लाइड है बेटे सह अंदरले कोण को इंटीरियर एंगल, ये तुसी दिवे चित्र विच देख रहे हो कोण तीन अते कोण छे, कोण चार अते कोण पांच, ये अंदरूनी अंतर कोण हैं। परंतु सह अंदरले कोण का मतलब की हो गया, वह एक अंतर सीगे, सह मतलब सेम साइड ते, इको साइड ते, इको साइड ते जड़े कोण बने ने अंदरली साइड ते, उन्हां नूं आपां सह अंदरले कोण कहिंदे हां। जे रेखावां समांतर हुंदियां ने तां इन्हां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइन्स इज सप्लीमेंट्री। बस बेटे हुण तक तुसी इन्हां स्लाइड्स नूं ध्यान रख के इन्हां नूं समझण दी कोशिश करो, ते फिर मैं तुहाडे वास्ते पीएएस दी तैयारी लई कुछ होर मैटर भी लैके आऊँगी। मैं उम्मीद करदी हाँ तुहानूं इह समझ आ गया होएगा। अगर तुहानूं कोई चीज़ नहीं समझ आई बेटे, तुसी मैनूं कमेंट बॉक्स विच पुछ सकदे हो, मैं तुहाडे लई होर नवीआं नवीआं वीडियोज़ बना के इन्हां नूं होर वधिया तरीके नाल समझाउण दी कोशिश करदी रहांगी। बच्चिओ धन्नवाद।